अदर के बहादुरगढ़ में भी आलम फास्टैग की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का है कि एनएचएआई की ओर से 1 दिसंबर से पहले ही सभी टोल प्लाजा को फास्टैग इनेबल करने में जुट गई है। अब टोल प्लाजा पर सिर्फ एक लेन में कैश में भुगतान करने वालों के लिए होगी, बाकी सभी लेन फास्टैग वाली होंगी। तस्वीर देखिए। प्लाजा पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के कड़े कदम उठाने का ऐलान होते ही देश की सभी टोल प्लाजाओं पर फास्टैग के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। 1 दिसंबर से देश भर के सभी टोल प्लाजा फास्टैग इनेबल हो जाएंगे। 1 दिसंबर से ही सभी टोल पर कैश के लिए सिर्फ एक ही लेन रखी जाएगी और बाकी सभी लेन फास्टैग के लिए रखी जाएंगी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना आपको 100% जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा है और टोल पर आपने फास्टैग वाली लाइन से क्रॉस करना है तो आपको उस टोल पर दोगुना भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से बिना फास्टैग वाली गाड़ी के लिए कैश लेन हर टोल पर सिर्फ एक रहने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं, 1 दिसंबर से 100% फास्टैग करने जा रहे हैं हम, बट फिर द पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो उसके लिए हम एक लेन को कैश लेन रख रहे हैं, ताकि और उनको भी पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि वो भी अपना फास्टैग बनवाएं और उसको भी मतलब कोशिश ये है 1 दिसंबर से मैक्सिमम फास्टैग चल जाए हमारा। ये जो कैश लेन रखी है उसमें तो वही अमाउंट जाएगा, परंतु वो लंबी लाइन लगने से लोगों की टेंडेंसी ये हो सकती है कि वो फास्टैग से निकलना चाहें, उनके लिए पेनल्टी रखी है हमने। ये हमारा प्लानिंग है अभी। टोल प्लाजा पर फास्टैग बनवाने के लिए लोग पहुंचने भी लगे हैं। कई बैंक फ्री में फास्टैग उपलब्ध भी करवा रहे हैं। हर टोल पर लोकल रेजिडेंट और वाहन मालिकों की समस्याओं से निपटने के लिए भी टोल कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। आसपास के गांव और वाहन मालिकों से मिलकर टोल कर्मचारी उन्हें भी अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। रोहत टोल के मैनेजर बलवीर सिंह ने बताया कि लोकल लोगों को अपने फास्टैग को कनेक्शन पास की तरह 150 से 300 रुपए का मासिक रिचार्ज करवाना होगा। इसको सुलझाने के लिए हम लोकल जो हमारे जिस तरह ट्रक यूनियंस हैं या लोकल सरपंच हैं उनसे हम जाके मिले हैं, तो जो हम कंसेशन पास देते हैं 150 और 300 में, तो उनको अवेयर किया कि आप रिचार्ज कराइए 150 और 300 में, बट दैट पास विल बी वैलिड फॉर दिस टोल प्लाजा ओनली। दूसरे अगर टोल प्लाजा पे जाएगा तो उसके पैसे कट जाएंगे, तो उनको यही अवेयरनेस किया कि आप लोग फास्टैग की इंस्टॉल करवाइए ताकि आपको लंबी लाइन में ना लगना पड़े। 1 दिसंबर से टोल बूथों पर लगने वाली लंबी लंबी फास्टैग की लेन में तो भले ही कभी आ जाए, लेकिन कैश लेन में कतारें काफी लंबी लगने वाली है। कैश लेने के साथ हर टोल पर एक लेन को इमरजेंसी लेन के तौर पर भी रखा जा सकता है, ताकि अगर कैश लेन में लाइन लंबी हो जाए तो साथ वाली लेन को भी कैश लेन बनाया जा सके। खबरें अभी तक के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।